दोस्तों, जैसा कि पता है कि आज इंटरनेशनल योगा डे है और हम सभी को पता है कि योगा करने से हमारे शरीर के ऊपर कितना अच्छा असर पड़ता है, हमारा दिमाग शांत रहता है, हम कोई भी काम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, हमारा मन एकदम एकाग्र चित्त हो जाता है, कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा तक मिल जाता है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ बॉलीवुड में कितने प्रकार के योगा है, कितने प्रकार के योग आसन है, उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपोटिज्म आसन, इस योग को हर कोई नहीं कर सकता है। इस योग पर बॉलीवुड के सिर्फ उन लोगों का कॉपीराइट है जो फिल्मी फैमिली से आते हैं। इस योग को बचपन से सिखाया जाता है। माता पिता कहते हैं कि बेटा तुझे पढ़ना है तो पढ़, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 10वीं तक जाकर फेल तो हो जा। इस आसन में फिल्मी परिवार का बच्चा बचपन से ही पिज्जा बर्गर ठूस ठूस कर खाता है और गुब्बारे की तरह फूल जाता है। रात को महंगी गाड़ियों में और छोटे छोटे कपड़े पहनकर पार्टियां करने जाते हैं और सुबह दारू की दुकान वाला इन्हें इनके घर तक छोड़कर जाता है। जैसे ही इनकी उम्र 18 साल पूरी होती है, इनके पिता इनसे कहते हैं कि बेटा और बेटी, तुम्हारी उम्र 18 साल की हो चुकी है, अब तुम्हारा फिल्मी दुनिया में प्रवेश करने का समय हो चला है। लड़कों को बॉडी बनाने के लिए कहा जाता है और लड़कियों को बिकनी वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने के लिए कहा जाता है। एक्टिंग की कोई बात नहीं है, एक्टिंग चाहे जैसे भी कर लो, तुम तो सुपर हिट ही रहने वाले हो, ऐसा इन्हें सिखाया जाता है। तुम्हें इतना हॉट और सेक्सी दिखना पड़ेगा कि तुम्हें देखकर आम जनता पागल हो जाए, तुम्हें पागलों की तरफ फॉलो करने लगे, धंधा एकदम सेट हो जाएगा, जिंदगी एकदम मस्त हो जाएगी और बैंक अकाउंट एकदम मालामाल हो जाएगा। दूसरा आसन है ड्रग आसन। इस आसन को कोई भी कर सकता है, जो भी फिल्मी दुनिया में आता है उसे पूरी अनुमति है कि वो इस आसन को कर सकता है, और जो लोग नहीं करते हैं उन्हें मार पीट कर कराया जाता है कि भाई तू भी कर, तू नहीं करेगा तो तुम्हें हमारी बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा, और बेचारे को मजबूरी में करना पड़ता है। इस आसन को बॉलीवुड का लगभग हर कलाकार पसंद करता है, कुछ इक्का दुक्का गिने चुने लोग होंगे जो इस आसन से दूरी बनाकर रखते हैं। इस आसन को करने के बाद उस इंसान को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है, वो पूरा ब्रह्मांड घूमकर चला आ जाता है। इस आसन को करने वाला बॉलीवुड का वो फिल्मी दुनिया का कलाकार अचानक से मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है, हालांकि ये बात उसे पता भी नहीं होती कि वो क्या बोल रहा है। इस आसन को छोड़ने पर शरीर में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, इंसान बावला हो जाता है, तोड़फोड़ मचा देता है, इसलिए इस आसन को ना छोड़ने की सख्त हिदायत दी जाती है। हिंदू विरोधासन, इस आसन को सिर्फ बॉलीवुड के राइटर और डायरेक्टर ही कर सकते हैं। इस आसन को करने के लिए एक लंबी सांस लेनी पड़ती है और देसी पौवा की दो घूंट लगानी पड़ती है, उसके बाद हिंदू विरोधासन करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। इस आसन में हिंदू देवी देवताओं को अपने फिल्मी दुनिया के बहाने गाली देने का काम किया जाता है, उन्हें बदनाम किया जाता है, उन पर तरह तरह की टीका टिप्पणी की जाती है, उन्हें मतलब हर गलत तरीके से दिखाया जाता है। इस आसन को देखकर सीखने की कोशिश इस देश की आम जनता भी करती है, लेकिन जैसे इसमें राजनीतिक पार्टियों का प्रवेश होता है वैसे ही देश में हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़क जाता है, लोग एक दूसरे को मारने काटने लगते हैं और सोशल मीडिया पर एक तूफान चला आता है। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे की माँ बहनों को उचित शब्दों के सम्मान के साथ पुकारते हैं। ये बहुत ही खतरनाक आसन होता है, लेकिन जैसे ही ये आसन शांत होता है पूरे देश में शांति फैल जाती है। अंडरवर्ल्ड आसन, इस आसन को सिर्फ फिल्म निर्माता ही करता है, यानी कि जिसे आप प्रोड्यूसर कहते हैं। अंडरवर्ल्ड आसन को करने के लिए कई सालों की कड़ी मेहनत और बहुत बड़ा खतरा मोल लेना पड़ता है। निर्माता अपनी नशों में देशद्रोह का जहर भरता है, देश के साथ धोखा करने के नए नए तरीके सीखता है। इस आसन का पता देश की हर राजनीतिक पार्टी को होता है, लेकिन वो दूर से बैठकर इस आसन को बस फॉलो करते रहते हैं कि इस आसन में कहां क्या हो रहा है और उसका किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है। इस पर तरह तरह की राजनीतिक रोटियां भी सेकी जाती हैं। ये इतना अच्छा आसन है। इस आसन में निर्माता को अंडरवर्ल्ड से पैसे मिलते हैं और निर्माता इस बात की गारंटी देता है कि 21 दिनों में वो अंडरवर्ल्ड का पैसा डबल करके ही रहेगा। अगर निर्माता ने इस आसन को सही तरीके से किया तो निर्माता की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलते रहता है, लेकिन 4-5 फिल्मों में अगर निर्माता इस आसन को करने के बाद फेल हो जाता है, पैसे बरोबर नहीं जमा कर पाता है, तो उसकी गुल्ली उखाड़ दी जाती है। कभी कभी इस आसन के जरिए निर्माता को हरिद्वार के दर्शन भी हो जाते हैं। हिस्ट्री मैनिपुलेट आसन, इस आसन को पूरी फिल्म इंडस्ट्री मिलकर करती है, जिसमें निर्माता, निर्देशक, लेखक, एक्टर, हर कोई शामिल होता है। इसमें भारतीय इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिक हीरो को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है, यानी जो असलियत में होता है वो चीजें नहीं दिखाई जाती है, बल्कि ऐसी चीजें दिखाई जाती है जिसे आने वाली पीढ़ियां सच मान बैठे। ये आसन आने वाले समय में देश को पूरा बर्बाद कर देगा और कई हद तक तो बर्बाद कर चुका है।
इस बात की पूरी गारंटी है कि इस आसन को देखने के बाद देश का युवा इससे कुछ न कुछ तो सीखता ही है। मतलब आने वाले समय में हाथी को डायनासोर भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। शेर को अगर बकरी कहा जाए और बकरी को जंगल का राजा कहा जाए तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं होगी। इस आसन में इतनी खूबी है कि आने वाले समय में जो आने वाली हमारी पीढ़ियां होंगी उस समय यानी जो मियां खलीफा होगी उसे भी देश में हरित क्रांति लाने वाला बहुत बड़ा किसान माना जा सकता है। डिप्रेशन मौतासन, ये ऐसा तरीका है जो बेहद गुप्त तरीके से किया जाता है जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। जिसकी मौत होती है उसे मीडिया में बता दिया जाता है कि ये बंदा बहुत ही डिप्रेशन में था, इसे पैसे की कमी थी, इसका पारिवारिक झगड़ा चल रहा था, बीवी के साथ झगड़ा चल रहा था, बहुत ही ज्यादा टेंशन में चल रहा था जिसके चलते इसने ड्रग लेकर आत्महत्या कर ली। इस आसन को जो करता है उसे खुद नहीं पता होता है कि उसने ये आसन कब किया और कब उसकी मौत हो गई। इस आसन को जैसे ही इंसान पूरा करके मर जाता है पूरी दुनिया को बताया जाता है कि इंसान ड्रगिस था, चर्सी था, लड़कीबाज था। इस आसन को देश के कई बड़े बड़े कलाकारों को कराया गया है जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत, दिव्या भारती, दिशा सालियान, जिया खान, बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस शामिल हैं। इस आसन को सिर्फ उन्हीं लोगों को कराया जाता है जो इंडस्ट्री से बाहर के होते हैं। ये आसन फिल्मी फैमिली वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि वो डिप्रेशन में कभी जाते नहीं और वो कभी सुसाइड करते नहीं है। इस आसन को खासकर उन लोगों के लिए भी कराया जाता है जो इंडस्ट्री में तेजी से आगे बढ़ते हैं, जो बाहरी होते हैं, जो अकेले होते हैं, खासकर जो बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के लिए मैनेजर का काम कर चुके हैं। इस आसन को करने के बाद मौत निश्चित होती है लेकिन आसन करने वाले को इसके बारे में पता नहीं होता है। उसकी मौत के बाद उसकी इंडस्ट्री से जुड़े लोग ही बताते हैं कि इस आसन को इस बंदे ने किया था जिसके चलते उसकी मौत हो गई और उसकी मौत से कभी पर्दा उठ ही नहीं पाता है। तो ये रहा बॉलीवुड का डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसन।